हेलो फ्रेंड, हैप्पी तीज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी, मतलब पूरा रेडी नहीं हूँ ना। मैं फेस में मेकअप जो था हल्का फुल्का वो मैंने कर लिया है, और साथ में मैंने घर का भी पूजा कर लिया है, और जो तीज में बनते हैं मंदिर जो छोटा सा वो भी मैंने बना लिया है, और बस मुझे साड़ी लगाना बाकी है। मैंने निकाल लिया है साड़ी, और मिलन भी अभी रेडी नहीं हुआ, वो नहा रहा है। तो मैं उस मंदिर दिखा देती हूँ आप लोग को, देख सकते हो यहाँ पे मेरा मंदिर बन चुका है, और मैंने सारा सजा भी लिया है। ये मैंने और मिलन ने मिल के इसे सजाया है, और यहाँ पे देखिए मैंने दिया रेडी रखा है, और अभी दिया में तेल वेल नहीं लगा डाला है मैंने, क्योंकि दिया में तेल अभी मैं शाम को करूँगी। और अभी बस मुझे, और यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है शिवलिंग बालू का, और यहाँ पे मैंने गणेश जी को बनाया है, और यहाँ पे देखिए, और दिया मैं सामने जलाऊंगी। अभी मुझे बस ये शिवलिंग में जल और दूध से मुझे यहाँ पे पूजा करना है, और जितने भी ये सुहाग के सामान से मैं यहाँ पे रखे हैं, और यहाँ पे मम्मी के दिया है, और ये मेरा दिया है, और ऊपर वाली जो आंटी है रेंट वाली आंटी उनका दिया यहाँ पे लगेगा। तो मैंने ये सारे रेडी करके रखे हैं, अभी मैं शाम में इसको करूँगी। अभी मुझे बस अगरबत्ती और जल अर्पित करना है, बस अभी इतना ही करना है, और जितने भी सुहाग के सामान और ये प्रसाद सब रहेगा वो मैं शाम में चढ़ाऊंगी। तो अभी चलते हैं, और देखिए चूड़ी भी कितना सुंदर लग रहा है ना। और मैं पहनूंगी आज साड़ी, और साड़ी पहनना भी एक कला होता है जो कि मेरे में नहीं है वो कला। मुझे पता नहीं कि मैं साड़ी कैसे पहनूंगी, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, मतलब सिंपल जैसे तैसे मैं पहन लेती हूँ, पर उतना प्रॉपरली मुझे नहीं आता साड़ी पहनना। और मैं मतलब मुझे, मतलब आज जैसे तीज है ना, तो मुझे साड़ी ना वो आगे आ चल करके पहनने का मन कर रहा है। जैसे कि मैं देखी उन्हें यूट्यूब में बहुत कोई को देखती हूँ कि वो आगे आ चल करके पहनती है साड़ी, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ वही उस मतलब ऐसी करके आँचू पहनूंगी, उसी तरफ का आँचू पहनूंगी। तो देखते हैं पहन सकती हूँ कि नहीं, वो भी कला ही है। भगवान जो पहनता है साड़ी, सच में यार मुझे कैसे पहनूंगी देखती हूँ, मिलन से हेल्प ले लूँगी यहाँ वहाँ से पकड़ लेने के लिए, पर जहाँ तक मुझे पता है कर ही लूँगी मैं। मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी। देखिए मैं सोच रही थी ना कि आगे आ चल पहनूँ, पर बोली थी ना मैं कि वो भी एक हुनर होता है जो कि मेरा में नहीं है, तो सही में वो साड़ी मेरे से नहीं बना आगे आ चल वाला, तो मैंने ऐसे ही बस पहन लिया। और देख सकते हो मेरा फेस गर्मी से पूरा पसीना। तो अभी चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं।
पूजा यहाँ पे हो गई है, जैसे कि अभी प्रसाद वसाद नहीं चढ़ाना है, अभी तो मैंने सुबह की पूजा की है। अभी हम लोग को शाम में जितने भी श्रृंगार के सामान है प्रसाद है वो हम लोग शाम में चढ़ाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा पसीना आ रहा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा, और ये रूम है ना फैन ऑन भी नहीं कर सकते क्योंकि पूजा का जितना भी सजाया हुआ है ना वो हम लोग ने टेप वेप करके सजाया हुआ ना वो कर जाएगा हवा से, तो इसीलिए हम लोग अभी इस रूम में पंखा भी नहीं चलाए हैं। तो और कपड़ा भी मतलब साड़ी से भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है और ये सब से भी गर्मी लग रहा है। तो अभी रेस्ट करते हैं, ये सब चेंज करते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर शाम में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और आंटी मुझे पहले ही फ़ोन करके बता चुकी थी कि शाम का पूजा 6 बजे से पहले ही करना है, तो मैं आराम करके उठ गई, बस सोई नहीं थी मतलब ऐसे लेटी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, कि जल्दी जल्दी अपना गहना वहना उतार लें, तो उतार के ऐसे सो गए थे। तो अभी शाम हो गए ना, तो फिर मैं साड़ी पहनूंगी शाम में भी पूजा के टाइम में। तो शाम आपको पता ही है ना साड़ी पहनना मुझे आता ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, फिर भी पहन लेती हूँ जैसे तैसे करके पहन ही लेती हूँ। सुबह भी ऐसे ही पहन लिए थे, मिलन भी हेल्प किया था थोड़ा मोड़ा, तो ऐसे जैसे तैसे करके पहन लूँगी। तो वही साड़ी पहनना आता नहीं है, तो मुझे मतलब 1 घंटा पहले ही से स्टार्ट करना पड़ता ना साड़ी पहनने के लिए, तो इसलिए अभी जैसे 4 बज रहा है, 6 बजे तक पूजा करना है, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं अभी जाती हूँ और अभी से पहनना स्टार्ट कर देती हूँ साड़ी। और मिलन भी सो रहा है, सोने देते हैं, मैं ही अपने अकेले पहन लेती हूँ। तो चलते हैं, जाके जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी टाइम पे पूजा और फिर पानी पीऊँगी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है पानी, और गर्मी भी पड़ता है बहुत ज़्यादा है कि क्या कहें कि पानी जल्दी प्यास लग जाता है। तो चलो चलते हैं, जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी, आप देख सकते हो मैंने जैसे तैसे करके लगाया है साड़ी, यू रेडी। अब जाते हैं जल्दी से पूजा कर लेते हैं क्योंकि मुहूर्त ज्यादा देर तक नहीं है, और अभी बज गए हैं कती बज नानू 5:15, अभी बज गए हैं 5:15 और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 6 बजे तक ही है। तो और कथा भी पढ़ना है इसलिए जल्दी जल्दी जाते हैं।
जो पार्वती जी द्वितीय वस्त्र धारण की है और जो दिग्वंदन नंदी है जैसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमलिंग रमलिंग के लाल कलर के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर हमें कोई गुप्त वस्त्र या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, इसमें भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ यदि आप मुझ पर प्रश्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु किस तप व्रत राजा गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर सिंह सिंह सोहे मूस की सवारी माथे पर सिंह सोहे मूस की सवारी अंधन को आंख देते कोड़िन को काया अंधन को आंख देते कोड़िन को काया बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा मोदक तो भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाकी यार पार्वती पिता मिल जाए पिया का
थैंक यू। पकड़ा था जीते रहो बट जन्नत भयंकर आराम, पानी पी के बहुत आराम। और जैसे कि मैं लंबे लंबे जो ब्लॉग्स सब बनाती हूँ ना, वो बना के एडिट वेडिट तो सारे चीज कर लेती हूँ, बस अपलोड करने में इतना ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि नेटवर्क का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क आना जाना मतलब अप डाउन करते रहता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। शॉर्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डालती हूँ ना, तो मतलब कि एक मिनट का अगर शॉर्ट वीडियो हो गया तो वो मेरा पता है कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा ले लेता है एक छोटा सा वीडियो जाने में। तो वही सोचती हूँ कि लॉन्ग वीडियो से बनाने से कि छोटा वीडियो बनाओ, पर फिर भी मैंने आज लॉन्ग वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टीज था ना। तो बाद में जब मतलब कि जब मैं ये वीडियो जब डालूंगी यूट्यूब पे तो मैं बाद में कभी देखूंगी कि मेरा फर्स्ट टीज मैंने ऐसा किया था, मतलब यादगार के लिए मैंने इस ब्लॉग को मैंने मतलब बनाया और मैं इसमें अपलोड करूंगी। नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ क्योंकि अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और यहाँ पे ना नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, समझ में नहीं आता। उसके लिए हमको ऊपर जाना पड़ता है छत पे, फिर बहुत ज़्यादा धूप भी रहता है ना, छत पे जाने भी नहीं सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है छत पे जाने के लिए। यहाँ से पता 3 या 4 तल्ला होगा घर, जाते जाते पैर दुख जाता है, इसलिए मन नहीं करता जाने का। तो फिर और घर में थी ना जब रांची में, तो मेरे मायके में भी वाईफाई लगा हुआ था, ससुराल में भी वाईफाई लगा हुआ था, तो मुझे दिक्कत ऐसा कुछ होता नहीं था। और ऐसे भी नेटवर्क का मतलब वाईफाई नहीं भी रहता था तो नेटवर्क का कोई दिक्कत नहीं होता था, नेटवर्क आराम अच्छा रहता था, तो अपलोड करने में मुझे बहुत ज़्यादा ईजी रहता था। और यहाँ मतलब कि कुछ भी वीडियो डालने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, मतलब बहुत दिक्कत से मैं वीडियो डालती हूँ, बहुत मतलब कि बहुत दिक्कत से मैं अपलोड करती हूँ वीडियो। तो वही आज तो मैंने बनाया है ये लॉन्ग वीडियो, देखते हैं कितना घंटा में जाता है ये मेरा वीडियो। और क्या बस कितना ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। पूजा ख़त्म, ऊपर वाली जो आंटी है वो भी आई थी, हम लोग साथ में मिलके हम लोग पूजा किए थे, तो आंटी भी अभी गई है अपने घर और मेरा भी हो गया है पूजा कम्प्लीट। और जैसे कि वीडियो पे आपने देखा है मिलन का भी मैंने पैर और धो के टिका उका करके मैंने अभी पानी पी लिया है, अभी पानी पिया अभी कुछ नहीं खाया है, मतलब नमकीन छोड़ के मीठा कुछ भी खा सकते हैं, नमकीन अब कल खाएंगे जब ये जितने भी ये सब है वो सब विसर्जन करने के बाद तब खाएंगे फिर हम लोग। जितने कोई रहते हैं ना कि आज नहीं खाते हैं, एक ही बार जब सारे चीज विसर्जन हो जाते हैं ना तब खाते हैं, मतलब सॉरी खाते पीते जो भी है, पानी भी पीते और खाते भी है। तो हम लोग का क्या है कि मम्मी ऐसे ही करती थी, सुबह पूजा करती थी, शाम में पूजा करती थी और शाम में पापा का पैदों का पानी पीती थी मम्मी, तो वही देख के हम लोग भी कर रहे हैं। और ऊपर वाली आंटी जो है वो कह रही कि बाद में मतलब सुबह कर पीती है पानी आंटी, तो अभी हम पी लिए पानी, तो अभी पानी ही बस पिए, अभी मिठाई लेने जा रहे हैं, अभी लोग मिठाई लेके आएगा, ऊपर बारिश बहुत ज़्यादा हो गया है अभी, जगह अभी जा भी नहीं सक रहा है। और गर्मी भी बहुत है, पता है कि यहाँ पर मम्मी रखे हैं तो फैन ऑन भी नहीं कर सकते ना, और खिड़की भी खोलने से कहते क्योंकि पूरा हवा आ रहा है और दिया बुझ सकता है, जो कि बुझा नहीं है दिया आज के दिन, इसलिए अभी थोड़ा सा फोटो शूट कर लेते हैं, इसलिए हम अभी बाहर हैं, अंदर नहीं घुस रही हूँ, फोटो शूट के बाद हम अभी और फोटो शूट कर लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगी अंदर रूम में, ड्रेस व्रेस चेंज होंगी। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, और तीज आप लोग ने भी किया होगा और बहुत अच्छे से किया होगा आप लोग ने भी तीज, और मेरा तो शादी के बाद ये फर्स्ट चीज़ है, आप लोगों को भी पता होगा कि ये मेरा फर्स्ट चीज़ है, तो मेरा भी फर्स्ट टीज बहुत अच्छा हुआ। हाँ भले फैमिली के साथ नहीं हुआ, रांची में मेरी पूरा फैमिली के साथ होना चाहिए, पर फैमिली के साथ नहीं हुआ क्योंकि मिलन का जो यहाँ पे है पटना में, तो मुझे पटना में ही रहना पड़ता है मिलन के साथ, तो मैंने पटना में ही किया है ये तीज का फर्स्ट टीज का फर्स्ट टीज मैंने यहीं पर अपना किया है, और फर्स्ट टीज भी मेरा अच्छा रहा, बस गर्मी बहुत था ना तो पानी बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था, तो मैंने ये मिलाने ला के दिया एक गिलास पानी, तो वही पी लिया, तो मेरा भी ठीक है, आराम मिल रहा है अभी, पानी पीने के बाद मुझे कुछ भूख कुछ नहीं लग रहा है अभी। और आप लोग ने भी बहुत अच्छे से किया होगा पूजा, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से किया होगा पूजा,
और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।